देश दुनिया की हर वड्डी खबर लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। खेती ऑर्डिनेंस के खिलाफ जिस तरह की किसान सड़कों पर आए हुए हैं, उस तो बाद अब जो लुधियाना एक मीटिंग की जा रही है, MP जे अमर सिंह जी इतने पहुंचे हुए हैं, खुद अज आड़ती भी उन्होंने मीटिंग की है, तो किस तरह की उन्होंने मीटिंग हुई है तो वो बारे भी जानने की कोशिश करांगे। लेकिन जिदा कि मोदी सरकार वालों हुण पंजाब दे विच ट्रेनां जिहड़ियां हैगियां ने माल गड्डियां जिहते रोक लगा दित्ती गई है, जिहदे कारण कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीधा कह दिता है कि ब्लैकआउट हो सकता है पंजाब दे विच जे माल गड्डियां नहीं पहुंचदियां। सर की मनना तुहाडा इहदे विच? देखो जी, ये तो जिहड़ी केंद्र की सरकार मोदी साहब की सरकार है, ये बिल्कुल ज़्यादतीकरण ते तुली हुई आ, डिक्टेटरशिप है। जदों किसान जथेबंदियां ने कहता और उन्होंने वो सारे ट्रैक जिथे माल गड्डियां चलदियां सी वो खोलते, माल गड्डियां चलनियां शुरू हो गई, इन्हां नूं लग्या कि नहीं पंजाब तां दोबारा लीक ते आ जाऊगा, हुण जबरदस्ती पंगा पा लिया कि पैसेंजर ट्रेना नाल करो। अरे पैसेंजर ट्रेना दा तुसीं 23 मार्च दियां खुद बंद कीतियां होईयां, बंद कीतियां कि नहीं, क्यों भाई? और हुण सानू कही जांदे आ, वह भी आपां किसान जथेबंदियां नूं मुख्यमंत्री जी ने तो उन्होंने बेनती की आ, मेरा ख्याल किसान जथेबंदियां उहदे ते भी मन जाणगियां, पर लेकिन बिल्कुल ज्यादती कर रहे हैं। मैं इहदी निंदा करदा हैगा, खुले शब्दों च केंद्र सरकार की निंदा करदा, जान बुझ के पंजाब की हालत खराब कर रहे हैं। ये बॉर्डर का सूबा हुण इस वेले झोना कटिया जा रहा, मंडिया जा रहा, हुण इस वेले पंगे पाई जाते हैं। अच्छा, बारदाना कलकत्ते तो आना हैगा, और कणक बीजी जानी आ, खाद आनी आ, किन्ना कुछ होना, और सारा कुछ रोक के बैठ गया। मैं इहदी बहुत निंदा करदा जी, केंद्र सरकार की, मोदी सरकार। तुहानू लग रहा कितने कितने जिहड़े किसानां नूं दबाउण की कोशिश की जा रही है, हुण जे इन्हां नूं दबाया जाएगा तां ही जे अपने हड़ताल खोल, ये बिल्कुल बिल्कुल ये उन्हां दी प्रेशर वाली नीति आ। लेकिन मैं एक उन्हां नूं बेनती करके ही कहूँगा, पंजाब का आदमी कभी कदे भी झुकदा नहीं और डरदा नहीं, इनू प्यार नाल जिहड़ा मर्जी काम करा लो, इत्थों दे जिमीदार नू किसान जथेबंदियां नू बुला लो, गल करके निबड़ जूगा। जे तुसी कहो कि इन्हां दी टिंबरी टाइट करके कर लोगे, फिर ना ये मन्ने, इन्हां नू ज्यादती कर रहे हैगे आ किसान जथेबंदियां, सारे लोग समझदार आ, उन्होंने बुलाउण, गल करके निबड़ जूगा। जिस तरह कैप्टन सरकार वालों कहा गया है कि हुण ब्लैकआउट हो सकता है जे माल गड्डियां नहीं आउंदियां, तो तुहानू की लग रहा है कि जे माल गड्डी जे हुण जे कोला ना आया, कोला तक जिथों कोला निकलता उत्थों आता, तो अपना तो काफ़ी ज़्यादा जी अपनी बिजली आ वह कोले ते आ, ते वो सारे प्लांट बंद हो रहे हो जाएंगे बंद, फिर ब्लैकआउट तो होना ही होना हैगा। और उदू सब तो ज़्यादा तो दसो अपना कणक की बुआई शुरू होने वाली आ, जे खाद ना आई, यूरिया ना आया, DAP ना आया, तो बीजना कहदे नाल आ? तो इस करके मेरा फिर इन्हों कहण का मतलब हैगा कि भाई ये ज्यादती ना करो, ये बिल्कुल पंजाब नाल ज्यादती है, तुसीं एक तरफा कार्रवाई बगैर गल के देखा कर रहे हो और जान बुझ के मसला फसा रहे। इस समय हुण देखा जा रहा कि त्यौहारों का सीजन नज़दीक आ चुका है, तो व्यापारी वर्ग जिहड़ा हैगा वह भी पिसदा जा रहा, क्योंकि माल गड्डी जा नहीं रही, उन्हों का माल स्टेशन से सड़ रहा। नहीं नहीं, वो तो लुधियाने आप बैठे हैं, सानेवाला इत्थे इंडस्ट्री मेन हैगा ना, इन्हों का कच्चा माल आए ना जिहड़ा बनिया वो बाहर जाए, तो उधर नुकसान तो इंडस्ट्री का है ही आ, वो पंजाब का उन्होंने नुकसान करने का मन बना लिया हैगा, ता ये जबरदस्ती शर्तां पा रहे हैं। मैं उन्होंने फिर कहना चाहूँगा कि पंजाब नाल ज्यादती ना करो, ये पंजाब अच्छा सूबा हैगा, ये सारी किसान जथेबंदियां तुहाडी गल सुन के, पर बुलाओ तो सही, उन्होंने बुलाया उत्थे कोई अफसर बैठ गया, कोई मिनिस्टर इतने 8 मिनिस्टर उस दिन आए हुए थे जिदन किसान जन्दे, तो तुसी एक मिनिस्टर उन्हां नाल नहीं सी बैठ सकता, उहदी भी मैं निंदा करदा कि इतने घूम रहे थे लेकिन किसान जथेबंदियां नाल गल नहीं की। मिनिस्टर की गल कर रहे हो, तुसी कहने जथेबंदियां नूं बुलाया सीगा, लेकिन उही जथेबंदियां नूं दलाल दसदे ने। देखो ये तो बहुत ही निंदन जो गल है। अच्छा तुसी दसो पंजाब च किहड़ा इत्थे सारे जिमीदार बैठे हुए हैं जगह जगह, जिहड़े मर्जी जाके देख लो, और उन्होंने बिचोलीए और दलाल कही जाते हैं, वो जिमीदार कदों का दलाल हो गया भाई, वो तो बेचारी अपनी खेती करके पैदावार करना। और मैं दूसरी गल कहना चाहना, ये पंजाब वो सूबा जदों 1964-65 जदों शिप टू बाउल रेंदे सी, जदों एक जहाज का
इंतजार सारा मुल्क करता है कि अमरीका चो आस्ट्रेलिया चो उदों पंजाब के जिमीदार कहा गया कि तू कणक पैदा कर चार पाँच साल च इन्होंने कणक पैदा करके सूबा अपना सारा मुल्क नूं कढ़ के लै गए। फिर क्या 1970-71 च नहीं तुसीं झोना लाउणा शुरू करो ए फिर इन्हां ने झोना हुण इस वेले 30-35-40% जिन्ना सारे हिंदुस्तान च मुफ्त च वंडिया जांदा जां सस्ता अनाज वंडिया जांदा वह पंजाब चों जांदा इसे सूबे नूं टाइट करन लग गए आ। इहदा मतलब उन्होंने गरीबां दा जिहड़ा ए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आ वह बंद करन दी उन्हां दी नीति आ। यही वैसे इसे करके असीं जिहड़े तीन उन्होंने कानून बनाए सी उहदा विरोध करदे। एक बयान बिट्टू जी वल्लों भी जारी होया सी, उन्होंने कहा जी पानी बंद कर देंगे, नाल अगर गल कीती ते जम्मू रस्ते भी बंद कर देंगे बॉर्डर दे जम्मू जाण वाले भी। हुण मैं उन्हां दा बयान देखिया नहीं, उहदे ते मेरा कहना तां वाजिब नहीं आ। अज जिहड़ी मीटिंग कीती है तुसीं आड़ते नाल ते उहदे विच की निकल के आया कि आड़ती कितना परेशान है इस समय? देखो इस वेले मैं अजे पहली मीटिंग कीती आ सानेवाल मार्केटिंग कमेटी च, पर जिहड़ी गल असीं कीती आ देखो आड़तियां सारे अफसर हर आदमी कित बारदाना नहीं पहुँच रहा, कित खाद नहीं पहुँच रही, कित कुछ नहीं पहुँच रहा है, सारे परेशान ने। असी कोशिश करा कि जल्दी तो जल्दी हल निकले और केंद्र सरकार नूं भी कहने कि जबरदस्ती दबाउण की कोशिश ना करो, यदा हल करो। मैं बार बार उन्होंने कहना कि पंजाबी किसी के सामने नहीं दबदा है, इनू बहुता ना इनू बहुता मन ना खराब करो, पंजाबी नहीं दबदे होंगे इतों का हर पंजाबी, जे तुसी बहुती दयाती खड़े करोगे तो वह खड़ा हो जाता, तो वह अपना हालत ना बिगाड़िए, आपां शांति नाल जथेबंदियां नाल सारिआं नाल पंजाब सरकार नाल गल करके हल हो सकदा, केंद्र सरकार नूं हल करना चाहिए। सो इसी साडे नाल अमर सिंह जी ते जिन्हां ने साफ किया है कि केंद्र सरकार नूं किसानां दा हल करना चाहिए, जाति नहीं करनी चाहिए। हुण देखण वाली गल होएगी कि केंद्र सरकार आने वाले समय च इन्हां दी गल कोई सुनदी है या नहीं। लुधियाना तों अभिषेक बैल दे नाल सेठी चौहान, दैनिक सवेरा टीवी। All World Open Challenge 17-time gold medalist Mia Rafiq Mohammed, Pandit Maulvi Begum Tantrik, inna chora thagga to saavdan, specialist Vashikaran, satta number love marriage, pati patni ch anban, videsh ch pakka hona, karobar da na chalna, sirf 31 ghantiyan vich samadhan, free Mia Rafiq Mohammed mobile 84374 94647 84374 94648।